मैडम सम्राट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खसम मोहल्ले में। आइए, यहाँ पर खसम मोहल्ले की जमात और यहाँ के नौजवान मिलकर एक 200 बच्चों का सुन्नत इब्राहिम का जो प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ रहने वाले खसम मोहल्ले के जमात के सेक्रेटरी साहब, आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आज जो ये सुन्नत इब्राहिमी का प्रोग्राम खसा मोहल्ला जमात के ज़ेर निगरानी में हमारे खसा मोहल्ला के नौजवानों ने, ख़ास करके जुनेद मुल्ला और उनके तमाम ग्रुप के रफ़ाकार, ये सब नौजवानों ने, इससे पहले भी इन्होंने गुज़िश्ता साल जो है एक 200 बच्चों का इस तरह का फ्री प्रोग्राम किया था, जिसमें इन्होंने सुन्नत इब्राहिमी करने के बाद भी उनको एक जो है गेहूं और खोपरा और एक घी की पैकेट वगैरह, ऐसा जो है एक फूड किट का इंतज़ाम करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस साल भी जो है उन्होंने अपने बड़े जोश व खरोश के साथ हमारी जमात से मुखातिब होकर के उन्होंने अपना ये रखा प्रोग्राम, तो हमने अभी इसे लब्बाई करके अल्लाह के फजल करम से और सरकार सैयद फतेह शाह अली रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में उन्होंने जो है ये प्रोग्राम करने का ख़ास करके ये कहें इंतज़ाम किया। इस तरह से हम तमाम जमात वाले और नौजवानों ने, मोहल्ला सब जने मिल कर के इस प्रोग्राम को आज अंजाम दिए, जिसमें हमारे एरिया के कॉरपोरेटर जनाब इरफान मुल्ला साहब, इरफान नालतवाड़ साहब, शफी साहब यादगिरी और सतीश हमारे गिरीसुरी जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके छोटे भाई, और जमात के हमारे मुतवल्ली अल्लाह बख्श बेपारी साहब और अंजुमन एजुकेशन बोर्ड के मेंबर हज्जू खान धारवाड़ साहब और शम्स तबरेज़ सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब इलियास बेपारी साहब और तमाम नौजवानों ने, मोहल्ला इसमें भरपूर साथ दिया। और आज जो प्रोग्राम जो है चिपगिरी साहेब पीरा उनके फातिहा खाने से इसका इफ्तिताह किया गया। इंशाल्लाह जो है एक 200 बच्चों का ये खतना कराने का, सुन्नत इब्राहिम कराने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अल्लाह से दिनों में कौन से प्रोग्राम्स हैं आपके? अभी जो है हम इससे पहले जो है फ्री आए चेकअप कैंप मुनक्कब किए थे, वो पूरा हुआ। और उसके बाद जो है फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें जो है कम से कम 5 लाख रुपए तक का भी अगर गरीबों का खर्च आया तो उनके आधार कार्ड के ऊपर जो है उनका ऑपरेशन वगैरह करने का पूरा इंतज़ाम किए थे, जिसमें सिक्योर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर और लेडीज़ डॉक्टर भी आए थे, जिसमें ECG और दिगर दूसरे सारे चेकअप्स कराए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारा जो है मंगल के दिन 2 तारीख को जो है हमारा खसा मोहल्ले के मदीना शादी हॉल में जो है एक एजुकेशन तालीमी सिलसिले में जो है एक तमाम स्कूलों के बच्चों का जो है क्विज़ कंपटीशन रखें, जो है सहारा एजुकेशन सोसाइटी उनके जो है ज़ेर एहतमाम में है, वो 11 बजे जो है वो प्रोग्राम रखें, जिसमें तमाम स्कूलों के बच्चे आएंगे, जिनको जो है दीनी और तालीमी ताल्लुक से सवाल जवाब किए जाएंगे और उसके बाद इनामात भी उनको तकसीम किए जाएंगे। और जो भी हजरात सुन रहे हैं ये न्यूज़ के मातहत, जिसे भी जो मैसेज जा रहा है, वो तमाम हजरात से भी गुजारिश है कि 2 तारीख को 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये प्रोग्राम है, आप तमाम हजरात भी इसमें शिरकत फरमाएँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। खसा मोहल्ले के मुतोली व अराकीन जमात, शफी यादगिरी साहब और इरफान कॉरपोरेटर नालतवाड़ साहब और गिरीसुरी के भाई सतीश भाई, सादिक व्यापारी और शम्स तबरेज़ के सोसाइटी के चेयरमैन अली जनाब इलियास व्यापारी साहब और तमाम नौजवान साथियों, भाइयों, दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले हमारे खसा मोहल्ले के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ
कि ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए उन्होंने आगे आए और हमारी जमात से मुताखिफ होकर मशवरा करके जो अच्छे कामों के लिए जो अपना वक्त निकाल कर इस कामों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी जो है टेस्ट का जो है ना वो भी प्रोग्राम रखा गया, हॉस्पिटल का प्रोग्राम रखा गया। ये सब नौजवान हाँ ये नौजवानों में ये खूबियाँ हैं कि वो भाई कौम की खिदमत करे, कौम का काम करे। और हमारे नौजवान जो है ये खतना करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए फूड का भी इंतज़ाम किया है। वो जो पंजरी बोलते हैं पंजरे के लड्डू बना लेना उन्हों उसका इंतज़ाम करें। और मैं आगे चल को भी हमारे बच्चे जो भी है जो भी काम करते हैं हमें उनका जमात वाले और हमारे कारपोरेटर शफी यादगिरी साहब, नालोतेड़ साहब और हमारे एम आई जमादार साहब, अल्लाह बख्श व्यापारी साहब, हमारे जितने भी जमात के जो अराकिन हैं उनका भरपूर साथ देंगे। और इसी तरह हम दुआ करेंगे कि भाई हमारे मोहल्ले से जो जितने भी अच्छे काम जो हो रहे हैं वो हमें हमसे अल्लाह और भी ऐसे काम लिए। बस इतना कहते हुए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे से अच्छे कामों ले रहा और भी आगे काम लिए। इतना बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो बात करने का मौका दिया गया हमारी पूरी जमात का और नौजवानों का, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो एसोसिएशन है आप ये एसोसिएशन कब से जानते हैं? ये एसोसिएशन करीबन जो हमारे शम्स तबरेज़ जो सोसाइटी एसोसिएशन है 20 साल हुआ हमारे खसाब मोहल्ले की जमात को जुड़ को चाहिए। ये हमारी शम्स तबरेज़ सोसाइटी बोल को हमारे कुरैश ब्रादर के एक सोसाइटी बनाया गया। जो सोसाइटी के अंदर जो पर्सनल जो चंद उनके धंधे के जो मामला रहता वो ये करने के अच्छा लिए। इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है अभी सुन्नत इब्राहिम का जो इंतज़ाम किया गया, इसी तरह और कौन कौन से प्रोग्राम इस एसोसिएशन से किया जाता है? बहुत से प्रोग्राम किया गया है। तुम्हारे अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा खसाब मोहल्ले के नौजवानों का और हमारे खसाब मोहल्ले जमात का एक और एक मंशा है कि भाई हम गरीब बच्चों की शादियां करें। और ये एक हमारा ये है मंसूबा है कि अल्लाह हमें इसमें भी कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ पर ये खसाब मोहल्ले की जमात और शम्स तबरेज जो ये सोसाइटी के जनेब से यहाँ खतनों का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत खुशी की बात है। मैं अरकिन जमात को हमारे एजुकेशन बोर्ड के मेम्बरान अजुकान धारवाड़ और जमात के हमारे जमादार साहब और मुतलिया अला बकश व्यापारी साहब, इलियास व्यापारी साहब, तमाम लोग मिलकर यहाँ पर हर नौजवानों को जो हिम्मत और अफजाई करते हैं। यहाँ पर कसई मल्ले की जो जमात सब लोगों को जो अपना एक भरपूर साथ देकर बुलाकर ये प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए मैं तमाम लोगों का और यंग नौजवान कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे प्रोग्राम यहाँ गरीबों के लिए हम आगे बढ़कर करेंगे। जो भी हमारा मंसूबा है वो कोई भी या पार्टी हो या मजहब हो वो देखते नहीं, जो गरीबों का जो भी भला करता वो अल्लाह ताला उनको सबको भी आगे चल के कामयाब करता करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।